हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको दो रंगों का बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन सिखाने वाली हूँ। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपने इवन नंबर में फंदे रख लेने हैं। मैंने यहाँ पर लगाए हैं 10 फंदे, 10 स्टिचेस। तो चलिए पहली रो से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। डिजाइन बहुत ही आसान है बनाने में। अगर आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरे चैनल दिख रहा है, ये है लत्तू आर्या फैशन डिजाइनर नाम से चैनल। अगर आप सीखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे के रखा है, वहां से जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए पहली रो, रो वन राइट साइड से क्या करेंगे, देखिए पहली रो में धागा हम चेंज करेंगे। बॉर्डर के बाद आपने धागा चेंज कर लेना है। इस तरह से पहला फंदा सीधा बना लिए धागा चेंज करके। अब देखिए ये पूरी रो धागा चेंज करने के बाद हमने सीधी तरफ से पहली रो पूरी सीधी बनानी है। धागा चेंज करना है और पूरी रो ये सीधी बना लेनी है। अब आ जाइए रो टू में रॉन्ग साइड से। रो टू रॉन्ग साइड से देखिए पूरी हम ये पहला फंदा उल्टा उतार लिया। अब ये पूरी रो हम उल्टी बनाएंगे। इस तरह से रो टू हमने रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बना लेनी है सेम कलर के धागे से। अब आ जाइए रो थ्री में राइट साइड से तीसरी रो सीधी तरफ से। अब इस रो को ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर हम धागा चेंज करेंगे, दूसरे कलर का धागा यहां पर लगाएंगे और पहला फंदा सीधा बना लेंगे। एक फंदा सीधा बना लिया। अब देखिए जो दूसरा फंदा है इसको हम ड्रॉप करेंगे, छोड़ देंगे, एक और ये दो। जो ग्रीन कलर का धागा है वो हमने दोनों उतार दिए, जो दो रो बनाई थी। अब ये पिंक कलर का धागा, हम पिंक कलर का जो धागा फंदा है उसको पकड़ेंगे और इसको लेफ्ट नीडल में डाल देंगे। फिर ये जो दो धागे देखिए लूज हैं, दो अलग कलर के, इनको भी हम इसी सिलाई में डालेंगे और फिर ये तीनों फंदे हम सीधे बना लेंगे। एक फंदा इनका बना लेंगे, फिर एक फंदा सीधा। अब देखिए शुरू का एक फंदा छोड़कर यही हमने रिपीट करना है फिर से। देख लीजिए क्या करेंगे, फंदे को ड्रॉप किया फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए पिंक कलर का जो फंदा है उसको हम यूं सिलाई में डालेंगे और फिर ये जो दोनों धागे हैं इनको हम ऊपर से यूं ले आएंगे और फिर तीनों फंदों का एक फंदा हमने बना लेना है, फिर एक फंदा सीधा। और इसी तरह से हमने पूरी रो में ये करते जाना है लास्ट के एक फंदे तक। इसी तरह से आपने करना है, यही या दो फंदे आपने रिपीट करने हैं। इस तरह से तीन का एक बना लिया, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदे को फिर से देखिए वैसे ही ड्रॉप करेंगे। ये पिंक कलर का धागा पकड़ेंगे पहले, फिर ये दो फंदे भी पीछे की तरफ से यूं आगे लाएंगे और फिर हम इन तीनों का एक बना लेंगे। इसी तरह से पूरी रो में करते जाएंगे, लास्ट में दो फंदे बचेंगे, दोनों को हमने सीधा बना लेना है। तो ये रो थ्री भी हो गई है राइट साइड से। अब आ जाइए रो फोर में रॉन्ग साइड से। तो रो फोर रॉन्ग साइड से देखिए पूरी हम ये उल्टी बनाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल इसको सारा उल्टा हमने बनाना है। तो चार रो कंप्लीट करने के बाद हमारा डिजाइन यहाँ पर ये ओवर हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल बीड्स की तरह ये डिजाइन आता है। जैसे जैसे हम इस डिजाइन को बनाते जाएंगे डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। बीच में ऐसे लगता है जैसे मोती लगाए हुए हैं, इस तरह से आता है। दूर से तो पूरा मोती की तरह ही लगता है। अब रो वन से लेकर रो फोर तक आपने कंटिन्यू करना है जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज।